दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस में अपना ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस में अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जो देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस को ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस में अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे अकाउंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको पहले ऑर्डर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप माय ऑर्डर वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद जो भी आपने ऑर्डर किया होगा वो ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, सिंपली आपको जिस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक कर लेंगे उसके आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैंसिल का, सिंपली आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके आपको यहाँ से कोई भी अपना एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप ऑर्डर किस वजह से यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर जैसे आपको कोई भी रीजन सेलेक्ट करना है उसको ना आपको यहाँ पर कोई भी कमेंट कर लेना है कि आप किस वजह से ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ भी यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में आपको सबमिट या फिर सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका आपका ऑर्डर जो भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाहिन वंदे मातरम।